दोस्तों, मैं सुनील कुमार मैथज्ञान भाई एस के चैनल में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर हमें एलजेब्रा के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज सोल्व करेंगे। तो सोल्व और एक क्वेश्चन मैं आपको अंत में सोल्व करने के लिए दूंगा, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, ये एलजेब्रा के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप वीडियो का PDF टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं। जैसे एक्स बराबर क्या दिया है, 7 + 4√3। अब हम देखते हैं, या 4√3 है तो ये a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है, इस वाले में, और फिर हम क्या लिख देंगे इसको इस तरीके से। तो अब दोस्तों, ये 7 है, 7 का 7 रहेगा प्लस, अब 4√3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको दो अलग करना है इसमें। तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2√3, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2√3। तो दोस्तों, ये 2ab है तो a की जगह क्या आ गया हमारा 2, और b की जगह क्या आ गया 3√, और 2 ये आ ही गया ऑलरेडी। तो हम इस 7 को ऐसे टुकड़े बनाएंगे कि 2 का वर्ग आए और 3 का √3 का वर्ग आए। तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 4 + √3 का वर्ग प्लस 2 × 2√3। तो दोस्तों, ये 4 क्या होता है, 2 का वर्ग। तो हम अब देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस टाइप का ये फॉर्मेट बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो x का मान हमें क्या मिल गया, 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है √ का x। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ आएगा √ का x, और इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और वर्गमूल क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, 2 + √3। इस प्रकार हमें उत्तर मिल जाता है 2 + √3। अब इससे हम अगला इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, √x + 1/√x का मान निकाल सकते हैं। √x तो हमें मिल गया, अगर 1/√x निकालना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे, फिर परिमेयकरण करते हैं, और फिर इस प्रकार इसको जोड़ देते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो क्वेश्चन है 9 - 4√5। 9 - 4√5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करके कमेंट में उत्तर देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका शुभ दिन।